नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं फार्मासिस्ट केयर और मैं हूं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट महेंद्र सिंह। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें, क्योंकि इस चैनल पर मैं अपलोड करता रहता हूँ आपके लिए उपयोगी जानकारियाँ। आज हम बात करने वाले हैं अल्फ्लॉक्स टीजर टेबलेट के यूजेज, डोजेज, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कंप्लीट जानकारी। तो फ्रेंड्स, इस टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को स्किप ना करते हुए लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वैसे मार्केट में आपको यह टेबलेट अन्य नाम से भी मिल जाएगा, जैसे कि इसकी एक फेमस ब्रांड है जो नॉरफ्लॉक्स टीजेड है, जो डॉक्टर के द्वारा ज़्यादा प्रेस्क्राइब की जाती है। वैसे अलग अलग ब्रांड नेम होने से कुछ नहीं, इसके अंदर जो कंटेंट है वो मेन चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर है, नॉरफ्लॉक्सिन एंटीनिडाजोल, ये दोनों एंटीबायोटिक है। अल्फ्लॉक्स टीजेड टेबलेट ये एक एल्केम कंपनी का 10 टेबलेट का स्ट्रिप है, जो कि शानदार पैकिंग में मार्केट में आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसके ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है अल्फ्लॉक्स टीजेड। ये एक डबल एंटीबायोटिक टेबलेट है जिसका उपयोग दस्त में किया जाता है। ये 10 टेबलेट का स्ट्रिप आपको मार्केट में 83 रुपीज़ में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। अगर हम बात करें इस टेबलेट के कंटेंट की, तो इसमें जो पहला कंटेंट है नॉरोफ्लॉक्सिसिन है, जो कि 400 mg है, और जो दूसरा कंटेंट है टिनिडाजोल, जो 600 mg है। और इस टेबलेट का सामान्यतः उपयोग दस्त और पेचिस में किया जाता है। इस टेबलेट को प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता है। अल्फ्लॉक्स टीजेड टेबलेट दो एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन है, नॉरोफ्लॉक्सिसिन एंड टिनिडाजोल। ये दोनों पेट में चल रहे बैक्टीरियल एंड माइक्रोबियल इन्फेक्शन को ख़त्म करके दस्त को रोकने का काम करते हैं। दस्त के लिए इन दोनों एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन शानदार है। डॉक्टर के द्वारा कई बार इस एंटीबायोटिक को लोपरामाइड टेबलेट के साथ भी दिया जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन हो जाता है, जिससे कि दस्त पूरी तरह से क्योर हो जाती है। जैसे कि डायरिया की समस्या हो, दस्त और पेचिस की प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। नॉर्मल दस्त में तो डिहाइड्रेशन होने पर पानी को अधिक मात्रा में लिया जाता है, और इसके साथ साथ ORS के घोल को भी दिन में एक बार या दो बार पिया जा सकता है। अगर अधिक प्रॉब्लम हो, जैसे कि बैक्टीरियल या फिर माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो, जैसे कि इंटेस्टाइन मतलब आंतों के अंदर कोई इन्फेक्शन जमा हो गया हो या फिर इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया, तो फिर इस टेबलेट को डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है, अन्यथा नॉर्मल प्रॉब्लम में इस दवाई को नहीं दिया जाता है। इस उसके लिए दस्त के लिए अलग से लोपरामाइड टेबलेट है, उसको दिया जाता है। अगर हम इसके अलावा बात करें इस टेबलेट के यूजेज के बारे में, तो जो फर्स्ट है यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिन के मार्ग में कोई भी इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फिर माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो, कोई भी इन्फेक्शन हो, उसमें ये टेबलेट बहुत ही बढ़िया काम करती है। और दूसरा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, जैसे कि जो रिप्रोडक्टिव अंग है, जहाँ योनि है, वेजाइना वगैरह है, वेजाइना के अंदर अगर इन्फेक्शन हो तो भी ये टेबलेट बहुत ही बढ़िया असरकारी है। और जो तीसरा है प्रोस्टेट, मतलब किडनी में हो या फिर प्रोस्टेट पथरी की समस्या हो पेट के अंदर, तो भी ये टेबलेट बहुत ही बढ़िया शानदार रिजल्ट देती है। और स्टोमक के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो या फिर आई एंड ईयर का इन्फेक्शन, आँख या कान का रोग हो, या कान के अंदर कोई इन्फेक्शन मवाद वगैरह हो, या आँखों के अंदर कोई भी इन्फेक्शन, या आँखों के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो, सूजन हो या फिर खुजली आना हो, तो भी ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देती है। और बॉडी के अंदर इसके अलावा अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है, और पैरासाइटिक इन्फेक्शन में भी इसका उपयोग किया जाता है, और ब्लड के अंदर कोई इन्फेक्शन, ब्लड के कंटेंट के अंदर इन्फेक्शन हो WBC RBC में, तो भी इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। और लंग्स मतलब फेफड़ों में कोई भी इन्फेक्शन हो, सांस लेने में दिक्कत हो, या फिर अंदर जो सॉफ्ट और टिश्यू होते हैं उनके अंदर कोई इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह हो, तो इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। चेस्ट पेन हो या फिर चेस्ट में इन्फेक्शन हो या फिर स्किन के इन्फेक्शन में भी इस टेबलेट को उपयोग में लिया जाता है। और इसका उपयोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब जो सेक्स से फैलने वाली बीमारियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। और अब हम बात करते हैं अल्फ्लॉक्स टेबलेट के डोजेज के बारे में, इसको कैसे लिया जाता है और किस टाइम लिया जाता है। इस टेबलेट को डॉक्टर की एडवाइस के द्वारा सुबह शाम दोनों समय खाने के बाद लिया जाता है। एडल्ट के अंदर इसकी डोज सुबह शाम एक एक टेबलेट है। अब हम बात करेंगे एल्फ्लॉक्स टेबलेट या फिर नॉरोफ्लॉक्सिन टिनिडाजोल टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। जो पहला जो साइड इफ़ेक्ट है ब्लर्ड विजन, मतलब जो वुमन के अंदर देखने की क्षमता है वो कम हो सकती है, मतलब आँखों की नज़र कम होना। दूसरा जो एल्फ्लॉक्स टेबलेट का साइड इफ़ेक्ट है इंडाइजेशन, जो कि खाना ना पचना, कोई भी खाना खा लिया और ये टेबलेट ले रहे हो, उसके बाद अगर खाना नहीं पच रहा है तो इस टेबलेट का उपयोग करना बंद कर दें। और तीसरा है नोजिया, मतलब उल्टी मतली हो सकती है। और चौथा जो साइड इफ़ेक्ट है एब्डोमिनल स्वेलिंग एंड पेन, मतलब एब्डोमिनल के अंदर, पेट के अंदर सूजन हो सकती है, दर्द भी हो सकता है।
और एनल और रेक्टल के अंदर पेन हो सकता है, मलगुदा के अंदर दर्द भी हो सकता है, तो इस टैबलेट का उपयोग करना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। तो फ्रेंड्स, ये थी एल्फ्लॉक्स टीजेड या फिर नोरोफ्लॉक्स टीजेड या फिर नोरोफ्लॉक्सेसिन एंटीनिडाजोल टैबलेट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें।